हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में। इसी कड़ी में बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क व टोपोलॉजी के प्रकारों के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क को हम दूरी के आधार पर मुख्य तीन प्रकारों में बांटते हैं, लैन, उसके बाद आता है मैन और वैन। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला हुआ होता है, जैसे किसी घर में रख दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क, किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क, या किसी बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क। इसकी दूरी 0 से 10 किलोमीटर तक माना जा सकता है। ठीक, याद रखना, लेकिन यह फिक्स नहीं है, कुछ कम या अधिक हो सकता है। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला रहता है। ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन है, याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा को एक्सी एक्स सिग्नल सिंगल केबल का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो या दो से अधिक शहरों के लिए के बीच फैला हुआ हो सकता है। यह लैन से बड़ा होता है। इसकी दूरी 1 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती थी। लैन की कितनी? 0 से 10 किलोमीटर के लगभग, और इसकी 1 से 100 किलोमीटर तक। लेकिन यदि हम प्रायोगिक तौर पर देखें तो मैन का प्रयोग नहीं होता है, केवल लैन और बैन का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन लैन को बड़ा करने पर वह बैन बन जाता है। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। फ्रैबैन वाइड एरिया नेटवर्क। बैन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेट है। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश या महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इसमें कंप्यूटर को टेलीफोन, प्रकाशीय तंतु या कृत्रिम संचार उपग्रह से जोड़ा जाता है। इस लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है इसको। इंटरनेट भी बैन का एक उदाहरण है। कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित इंडो नेट भारत में बैन का उदाहरण है। अर्पानेट और एक बैन है। ये ईयरनेट स्विफ्ट बैंकों को जोड़ने वाला बैन, ये भी बैन। फिर बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था या स्वरूप है कि हम कंप्यूटरों को नेट में किस प्रकार जोड़ें, या एक नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटरों को किस आधार पर लिंक करें। इसे लॉजिकली और फिजिकली दोनों रूप में दर्शाया जा सकता है। फिजिकल टोपोलॉजी में हम यह देखा जाता है कि डिवाइस या कंप्यूटर किस प्रकार से रखे जाएंगे और उनके मध्य केबल किस प्रकार लगाए जाएंगे। और लॉजिकल टोपोलॉजी में यह देखा जाता है कि फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत डिवाइस के मध्य डाटा किस प्रकार प्रवाहित होगा। उदाहरण के लिए हम एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। इसमें कई कंप्यूटर कुछ तारों द्वारा या कुछ उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं। इसे ही फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, तथा ऐसे व्यवस्था के द्वारा किसी प्रकार डाटा का आदान प्रदान होता है होगा इसे लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कई प्रकार की हो सकती है, या इसे कह सकते हैं कि हम नेटवर्क में कंप्यूटर को कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे बस, रिंग, स्टार आदि। बस
फर्स्ट टोपोलॉजी में एक मुख्य केबल होती है और सभी डिवाइस को उसी के द्वारा सब केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। यह टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में सस्ती होती है क्योंकि इसमें केबल का खर्चा और जोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें डाटा की स्पीड कम होती है क्योंकि इसमें डाटा को किसी कंप्यूटर पर सीधे नहीं भेजा जा सकता। डाटा सभी कंप्यूटर में एड्रेस चेक करता हुआ आगे बढ़ेगा और इसमें अगर मुख्य केबल में खराबी या अवरोध होने पर सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है के जरिए सारे नोड जोड़े रहते हैं। किसी स्टेशन द्वारा संचालित डाटा सभी नोड द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डाटा को पैकेट में भेजा जा सक जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डाटा को ग्रहण करते हैं। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। इसके लाभ क्या है और हानि क्या है? इसमें लाभ की बात करें तो इसमें हम केबल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें खर्च कम पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर दूर नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, नया नोड जोड़ना आसान है। हानि तो ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसमें एक बार में केवल एक ही नोड डाटा संचारित कर सकता है। प्रत्येक नोड का विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर स्टार स्टार इस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या हब या स्विच के द्वारा सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ये सारा कंप्यूटर हब से सीधे जुड़े होते हैं और एक स्टार की आकृति बनाते हैं। इसलिए इस टोपोलॉजी में और अधिक कंप्यूटर आसानी से जोड़े जा सकते हैं तथा रखरखाव पर भी कम खर्च होता है। इसकी समस्या यह है कि इसमें सर्वर साहब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसमें किसी नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें एन नोड को आपस में जोड़ने के लिए एन माइनस वन संचार लाइनों की जरूरत पड़ती है। लाभ इसके और हानि बात करें तो लाभ की बात करें तो किसी एक नोड जीरो या केबल में त्रुटि से नेटवर्क का शेष हिस्सा अप्रभावित होता रहता है। नया नोड जोड़ने पर नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता। हानि की बात करें तो सेंट्रल हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं रिंग। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स या कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक चक या रिंग का निर्माण करते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर का एक सर्वर का नाम करता है, सर्वर का काम करता है, डाटा को आगे भेजता है। इसमें भी डाटा की स्पीड कम होती है क्योंकि डाटा प्रत्येक कंप्यूटर से होकर आगे जाता है। इसकी मुख्य समस्या है कि इसमें एक भी नोड के फेल होने पर पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। फिर मैश। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नोड नेटवर्क में उपस्थित प्रत्येक कंप्यूटर नोड से सीधे जुड़ा रहता है जिससे डाटा स्पीड काफी तेज होती है। थ्रेड ट्री। इस टोपोलॉजी में बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है ताकि यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो स्टार टोपोलॉजी द्वारा जुड़े कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो अधिक अलग अलग टोपोलॉजी का मिश्रण है ताकि इनमें कोई भी एक टोपोलॉजी प्रभावी रूप से ना हो। ये अलग अलग टोपोलॉजी कोई भी हो सकती है जैसे रिंग स्टार बस आदि। यदि एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क किसी दूसरे रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क से जुड़ेगा तो इसे रिंग टोपोलॉजी ही कहेंगे, हाइब्रिड नहीं। यदि एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क किसी दूसरे स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाएगा। चलिए तो आगे हम बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन। ठीक है,